नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। एक बहुत ही सुंदर ग्रह, शुभ ग्रह गोचर कर रहे हैं रोहिणी नक्षत्र में। गुरुदेव का रोहिणी नक्षत्र में गोचर क्या लाभ देगा? गुरु आपकी कुंडली में बात कर रहे हैं तुला लगन और तुला राशि के जातकों के लिए। गुरु महाराज आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे, गोचर कर रहे हैं, या 13 जून से रोहिणी में जाएंगे। रोहिणी का मतलब होता है आरोहण करने वाला, रोहिणी का मतलब वृद्धि, रोहिणी का मतलब विकास, रोहिणी का मतलब उच्चता, और रोहिणी सवारी देने के लिए जाना जाता है। या नक्षत्र जो है बहुत सुंदर नक्षत्र है और धन संपदा इसके साथ जुड़ी हुई है। इच्छाओं को पूर्ण करने वाला नक्षत्र कहा जाता है। अब प्रश्न ये है कि आपकी कुंडली पे गुरु कारक नहीं होते, गुरु खष्टेश होते हैं, गुरु पराक्रमेश होते हैं, लेकिन वर्तमान में गुरु विपरीत राजयोग में है। एक होता है राजयोग, एक होता है विपरीत राजयोग। विपरीत राजयोग में कोई भी वस्तु परिस्थिति आपको 3 गुना ज़्यादा लाभ देती है। तब 100 रुपये कमाने के चक्कर में हो अचानक 300 रुपये मिल जाएगा। एक अवसर की तलाश में है, 3 अवसर मिल जाएंगे, कहाँ जाएं? अष्टम भाव गुप्त रहस्यों का है और अष्टम भाव आपके राशि के, आपके लग्नेश की प्रथम राशि है। इसलिए यहाँ पे अष्टम से अष्टम मतलब तृतीय, तृतीय का स्वामी अष्टम में है, तो पहली चीज़ क्या होगा? आयु की वृद्धि करने वाला होगा, आयु की वृद्धि करेगा, आयु बढ़ाएगा। दूसरा काम क्या करेगा? क्योंकि खष्टेश अष्टम भाव में है तो धीरे से शत्रुओं को निपटा देगा, बोलेगा आगे जाओ भाई, निकल जाओ, यहाँ पे मारे जाओगे, क्योंकि अष्टम साक्षात मृत्यु है। विपरीत राजयोग कन्वर्ट कर रहे हैं, इसलिए आपदाओं में लाभ, विपरीत परिस्थितियों में भी लाभ होने की संभावनाएं दर्शाएंगे। लेकिन इनकी मूल त्रिकोण राशि पराक्रम के घर में है, इसलिए सदैव याद रखिएगा, पराक्रम ही शत्रुओं को निपटा देगा, आपकी मेहनत ही आपको सफलता प्राप्त कराएगी। चंद्रदेव के नक्षत्र में है यह नक्षत्र। कोई भी व्यक्ति इस नक्षत्र में जाए उसको ऊंचाई देते हैं, सीधा सा है, तो शत्रुओं को भी ऊंचाई मिल सकती है क्या? मिल सकती है, शत्रु प्रमोशन करके बाहर निकल जाए, रहेंगे ही नहीं। या आपके कुंडली में कर्म का प्रभाव लेके चलेंगे तो आपके कर्म में ऊंचाई आएगी, स्थानांतरण योग भी बनेगा, टीडी वगैरह कहीं बाहर भेजे जा सकते हैं। अगर आप इस समय विदेश की यात्रा करना चाहते हैं या विदेश का आपका प्लान है, देखो सभी 60 करोड़ लोग तो कर नहीं सकते, कभी भी पूरी तरह से परिस्थिति सबके लिए एक अनुकूल नहीं बनेगी। चैनल को सब्सक्राइब किया कि नहीं, नहीं किया तो कर लो। चंद्र आपके कर्म के प्रभाव को लेकर चलते हैं और गुरु कर्म के प्रभाव के नक्षत्र में आएगा, इसलिए कहते हैं कि गुप्त रूप से काम करना शुरू करिए। गुप्त रूप का मतलब आपका जब काम हो जाएगा ना तो दुनिया को पता होगा, पहले से ढिंढोरा मत पीटो। जब हो जाएगा तो उसका प्रभाव सबके ऊपर दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अष्टम भाव गुप्त का है, तो इसलिए योजनाओं को लोगों को मत बताइए। इस दुनिया में माता पिता के अलावा कोई नहीं चाहता कि आप बहुत ग्रोथ करें, सबकी नज़र आपके ऊपर लग जाती है, इसलिए रिश्तेदार दोस्तों से भी इन चीज़ों को छुपाइए जब तक आप सफल ना हो जाइए। थोड़ा साधना में जाइएगा, थोड़ा ध्यान में जाइएगा, क्योंकि अष्टम भाव ध्यान मांगता है, अष्टम भाव एकाग्रता मांगता है, और यहाँ पे गुरु उच्चता जैसे होंगे। देखो कर्क में गुरु उच्च के होते हैं और मन के स्वामी चंद्रमा की राशि में होते हैं, और यहाँ पे जो ये नक्षत्र है रोहिणी, ये मन को साथ ले जाता है। चंद्र भी यहाँ आके हिलते नहीं, मन भी जहाँ रम जाए वो रोहिणी है,
तो इसलिए यहाँ पे आपके बंधु बांधव ग्रोथ करेंगे, आप ग्रोथ करेंगे। भुजा के माध्यम से मतलब आपके पराक्रम की वजह से आपको सफलता डेफिनेटली मिलेगी, ऋण रोग परेशानी से भी मुक्ति आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। शुभ फल प्राप्त करने के लिए कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान कृष्ण की उपासना करना श्रेष्ठकर रहेगा, गाय को वो ग्रास खिलाना भी आपके लिए हितकारी कल्याणकारी होगा। बस इतना करते रहिए, लाभ डेफिनेटली मिलेगा आपके लिए। जय श्री राम।